नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। दोस्तों, हवाई जहाज़ में सभी यात्रा करना चाहते हैं। हर कोई चाहता है कि आसमान में उड़ें और नीचे धरती को देखें। जिनका पासपोर्ट नया बना है उसे वीज़ा की ज़रूरत होती है, और वीज़ा के लिए आपने अगर अप्लाई कर दिया है तो आपको शायद कभी मौका मिले कि आप विदेश जाएँ। और अगर आप भारत में हैं तो आपको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदिरा गांधी एयरपोर्ट ज़रूर जाना पड़ेगा। दोस्तों, एयरपोर्ट पर बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है। अगर आप इनको फॉलो नहीं करते हैं तो एक बड़ी चूक भी हो सकती है, आपकी फ़्लाइट भी मिस हो सकती है। एयरपोर्ट पर आपकी सुविधाओं का बहुत ही ख्याल रखा जाता है। वहाँ पर अलग अलग तरह के दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। उनमें से एक है वहाँ की मार्केट। अगर वहाँ पर आपको कुछ भी ख़रीदना है तो आप बेशक वहाँ से कुछ भी ले सकते हैं। हाँ, थोड़ा महंगा ज़रूर होता है। इसे आपको वैसे ही समझना होगा जैसे एक एयरपोर्ट की शॉप और एक बस स्टैंड की शॉप। भाई, वहाँ पर एयरपोर्ट के नाम से ही पैसे लगते हैं। खैर, ये देखते हैं कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में पूरी जानकारी, कुछ झलकती हैं और कुछ वीडियोस जो आपकी सुविधा के लिए हम आपके सामने लेकर के आए हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर टर्मिनल 1D से लेकर के देश के अंदर यात्रा करने वाले यात्रियों को पूरा प्रोसेस दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि टर्मिनल 1D से पूरे देश के अंदरूनी भाग में आप कहीं पर भी यात्रा कर सकते हैं। और पहली बार जो यात्रा कर रहे हैं वह किस ढंग से अपने यात्रा के कागजात तैयार रखें। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा टर्मिनल 1D, जो देश के अंदर नई दिल्ली में दिन भर अर्धरात्रि तक हवाई जहाज चलते रहते हैं। अब ऐसे हालात में इस अकेले हवाई अड्डे से पूरे दिन भर हजारों यात्री यात्रा करते हैं। आमतौर पर यात्रियों को हवाई जहाज़ के समय से 2 घंटे पहले यहां पर हवाई अड्डे पर पहुंचना होता है। जहां पर आने के बाद सबसे पहले आपको ID व टिकट के माध्यम से हवाई अड्डे के अंदर प्रवेश मिलता है, और इसके बाद में अपने सामान की सुरक्षा जांच स्कैनिंग होती है, और स्कैन के द्वारा वो आपका जो सामान है वह संबंधित हवाई कंपनी जिसके कर्मचारी काउंटर पर बैठे होते हैं वहाँ पर लैगेज को जमा करवाना होता है। आमतौर पर अंतरराज्य उड़ानों के लिए यात्री 15 किलो का बैग अपने साथ हवाई कंपनी के कर्मचारियों को देता है, क्योंकि आप साथ में 15 किलो सामान ही ले जा सकते हैं। अब ये सामान आपको हवाई जहाज़ में जहां सामान रखा जाता है वहां पर अपने आप चला जाता है। इसमें आपको ध्यान ये रखना होता है कि 5 से 7 किलो वजन का छोटा बैग यात्री अपने साथ रख सकते हैं। इसके बाद आपको जाना होगा वहाँ पर जहाँ कर्मचारी टिकट व संबंधित यात्री के ID देखकर उसे सीट अलॉट करते हैं। आजकल लोग अपने हवाई अड्डे पर स्वयं ही सीट नंबर, जिसमें बोर्डिंग पास कहा जाता है, उसे निकाल सकते हैं ऑनलाइन। आपको बोर्डिंग पास मिल जाने के बाद सुरक्षा जांच गंभीरता से होती है, तथा आपके हाथ में हैंडबैग के अलावा और जो भी सामान होता है उसकी स्कैनिंग की जाती है, और पूरी सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ जाँच होती है। इतना ही नहीं, वहाँ पर सुरक्षा कर्मचारी भी व्यक्ति की गंभीरता से जाँच करते हैं। इसके बाद सुरक्षा जांच के बाद आपको वेटिंग हॉल में बैठने के लिए कुछ समय मिलता है। आपको बता दें कि वेटिंग हॉल के चारों तरफ कई दुकानें हैं जो मार्केट के रूप में यहां बनाई गई हैं, ताकि आप वेटिंग करते समय कुछ भी खरीदना हो तो आप खरीद सकते हैं। खाना पीने का सामान भी आपको यहाँ मिल जाएगा। आपके बोर्डिंग पास पर यहाँ हवाई जहाज़ में चढ़ने के लिए गेट नंबर दिया होता है। आमतौर पर 45 मिनट हवाई जहाज़ के यात्रियों को उससे पहले घोषणा की जाती है, तथा समय से 20 मिनट पहले ही हवाई जहाज़ में सभी यात्री सवार हो जाते हैं। ऐसे में हवाई जहाज़ की खिड़कियां बंद करने के बाद हवाई जहाज़ आमतौर पर समय पर ही अपनी यात्रा आरंभ कर देते हैं। आपको बता दें कि नई दिल्ली के टर्मिनल 1D पर यात्रियों को बस द्वारा लगभग 2 किलोमीटर दूर खड़े हवाई जहाज़ों में सीढ़ी के माध्यम से चढ़ाया जाता है, जबकि भारत में अनेक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हवाई अड्डों पर, यहाँ तक कि नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल 3 पर बस के स्थान पर सीधे सीढ़ी के माध्यम से ही यात्रियों को हवाई जहाज तक पहुंचाया जाता है और हवाई जहाज के अंदर सवार किया जाता है। लेकिन अभी टर्मिनल 1D पर इन दिनों काम चल रहा है, इसलिए बसों का प्रयोग किया जाता है जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं। नई दिल्ली के हवाई अड्डों पर मीलों लंबाई पर बिछी हुई हवाई पट्टियाँ बनी हुई हैं, तथा सैकड़ों की संख्या में हवाई जहाज आपको यहां से दिखाई दिए जाएंगे जो प्रतिदिन यहां पर हवाई उड़ान भरते हैं। ये हवाई जहाज यहां पर आते और जाते आपको स्पष्ट दिखाई देंगे।
दोस्तों, हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताने का प्रयास किया है कि यात्री जो पहली बार यहाँ से जा रहे हैं या कहीं पर यात्रा कर रहे हैं, तो आपकी यात्रा के लिए हवाई अड्डे पर जाना सुगमता से हो। इसके अलावा एक आपको और बताते हैं कि यहाँ पर आप जब जाएंगे तो यहाँ पर कोई भी सरकारी आईडी अगर आपके पास हैं तो वो अपने पास अवश्य रखें, क्योंकि एंट्री से लेकर के हवाई जहाज़ पर चलने तक कम से कम 3 बार आपकी आईडी सुरक्षा कर्मचारी मांगते रहते हैं, क्योंकि ये अधिकतर उड़ानों में ऐसा ही होता है। दोस्तों, ये थी एक पल पल की विशेष रिपोर्ट सुरेंद्र भाटिया जी के द्वारा बनाई गई। फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।